8 science chapter number 16 question number 1 suppose you are in a dark room can you see objects in the room keh rahe ki da hum jo hai dark room ke andar suppose karo ki hum dark room ke andar hai objects can you see objects outside the room क्या जो हम ऑब्जेक्ट्स को रूम के आउटसाइड देख सकते हैं एक्सप्लेन करो अरे यहाँ पर हम आते हैं रूम के अंदर कैन यू ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम क्या हम ऑब्जेक्ट्स को रूम के बाहर देख सकते हैं एक्सप्लेन करना है हमें अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन क्या है वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स व्हेन द लाइट दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आवर एंटर्स आवर आईज फिर हम जो चीजों को हम देख पाते हैं क्यों देख पाते हैं जब लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होती है और वहां से फिर वो रिफ्लेक्ट होके आती है तो हम से चीजों को देख पाते डार्क रूम के अंदर कोई भी लाइट नहीं है कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी दस वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन अ डार्क रूम इसलिए हम ऑब्जेक्ट्स को जो है हम डार्क रूम के अंदर नहीं देख सकते आज देयर इज अ लाइट आउटसाइड द रूम द रिफ्लेक्टेड लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विल रीच अवर आईज एंड दस वी विल बी एबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स आउटसाइड द रूम के हम रिफ्लेक्ट होके हमारे आईज में एंटर करती है डार्क रूम के नो कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती ऑब्जेक्ट से दस वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट इन डार्क रूम इसलिए हम चीजों को डार्क रूम के अंदर नहीं देख पाते एज देयर इज अ लाइट प्रेजेंट आउटसाइड द रूम कह रहे कि क्योंकि वहां पे जो कोई भी लाइट प्रेजेंट नहीं है रूम के अंदर जो रिफ्लेक्टेड लाइट है जो हमारी ऑब्जेक्ट से आती है वो हमारे आईज में पहुंचती है इसी वजह से हम चीजों को देख पाते हैं जब लाइट है उसके ऊपर इंसिडेंट होती है लाइट वहां से आती है रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं तो क्वेश्चन क्या था कि हम डार्क रूम के अंदर है क्या हम चीजों को देख पाते हैं क्या हम जो रूम के बाहर चीजें हैं उनको देख पाते हैं तो कह कि अगर जब हम हमारी जो हम रूम के अंदर है तो कोई लाइट नहीं है कोई भी लाइट नहीं है तो कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं भी लाइट नहीं है चीजों को नहीं पाए रूम के अंदर रूम के बाहर लाइट रिफ्लेक्ट हमारी आंखों में इंसिडेंट होती है वो जो हमारी तो रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से ही हम किसी चीजों को देख पाते हैं और रिफ्लेक्टेड लाइट नहीं होती इस वजह से हम चीजों को देख नहीं पाते उसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होता है और मीन द फेलियर ऑफ रिफ्लेक्शन क्या वो लो रिफ्लेक्शन तो इसमें हमने क्या है कि रेगुलर
लास्ट क्वेश्चन में हमने स्टडी किया था कि जब हम डार्क रूम में हैं, क्या हम उस डार्क रूम में चीजों को देख पाते हैं, क्या हम बाहर भी चीजों को देख पाते हैं? तो डार्क रूम के अंदर कोई भी लाइट नहीं होती, तो रिफ्लेक्टेड लाइट भी नहीं होती, इस वजह से हम डार्क रूम में चीजों को देख नहीं पाते, और जैसे रूम के बाहर जाते हैं तो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है, इसलिए हम चीजों को देख पाते हैं। उसके बाद है रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन है वो स्मूथ सरफेस पे होती है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमारी जो स्मूथ सरफेस पे होती है, और इरेगुलर रिफ्लेक्शन हमारी जो है अनइवन सरफेस पे होती है। तो जैसे पैरेलल रे जाती है और पैरेलल ही वापस आती है रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर पैरेलल रे जाती है और अनपैरेलल वापस आती है। और रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर जो इमेज जो है ऑब्टेन हो कर सकते हैं, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के अंदर जो है हमारी इमेज ऑब्टेन नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा डिफरेंट टाइप के सरफेस लिए थे हमने, पॉलिश वुडन टेबल, चौक पाउडर, कार्ड सरफेस, मिरर, पीस ऑफ पेपर। ये इसमें हमारा जो हमने देखना है कि हम कौन सी चीजों को हम फॉलो कर सकते हैं, कौन सा हमारा जो है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है, और किसमें हमारी रेगुलर है और किसमें हमारी इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। तो हमने देखा, अलग अलग सरफेस देखा कि अगर हमारा सरफेस स्मूथ है तो हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन है, अगर हमारा सरफेस स्मूथ नहीं है तो वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है। उसके बाद लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या किया हमने, दो लॉ थे रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा इक्वल होता है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है सारी प्लेन के अंदर लाई करती है, एक ही प्लेन के अंदर लाई करती है। उसके बाद हमने एक एक्टिविटी लेनी है जिसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और पॉइंट ऑफ इंसिडेंट जो है एक ही प्लेन के अंदर लाई करता है। तो इसके लिए क्या करना है, एक एक्टिविटी है, एक शीट लेनी है पेपर के ऊपर, और उसके ऊपर कॉम रखनी है, और उसकी सारी जो ओपनिंग है वो क्लोज कर देनी है, और उसके बाद क्लोज करने के बाद प्लेन मिरर वहां रखना है, और लाइट रे उसके बाद इंसिडेंट होगी, लाइट रे जैसे ही उसके पास इंसिडेंट होगी और वैसे ही रिफ्लेक्टेड रे वापस आ जाएगी। व्हेन द पेपर लाइज ऑन द टॉप ऑफ टेबल द रेज रेज लाई इन द सेम प्लेन। तो जैसे ही पेपर उसके ऊपर देखेगा तो जो दो रे जो है वहां सेम प्लेन के अंदर लाई करेगी। तो देखना है कि कह रहे उसका प्रोजेक्टेड पोर्शन देखने के बाद देखेंगे जो हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही प्लेन के अंदर हमारी लाई कर रही है। तो ये हमने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया कि ये तीनों जो है एक ही प्लेन के अंदर लाई करती है। उसके बाद है हमारी फिलिप्स, अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर सीम्स टू बी डैश मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। एक पर्सन अगर प्लेन मिरर से 1 मीटर जो है फ्रंट में रखा हुआ है तो कितनी उसकी इमेज बनेगी, 2 सेंटीमीटर जो है अवे उसकी इमेज बनेगी। एक जो प्लेन मिरर के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो इमेज डिस्टेंस के जो है इक्वल होती है। तो द पर्सन विल सीम टू ट्वाइस द डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज। प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो इमेज डिस्टेंस के इक्वल होती है, तो पर्सन जो है विल सीम टू बी ट्वाइस द डिस्टेंस अवे फ्रॉम द इमेज। जितनी हमारी जो मिरर बीच में है और पीछे एक्स का डिस्टेंस है और ऑब्जेक्ट की वहां एक्स है, तो हमारी टोटल जो डिस्टेंस होगी 2x होगी। तो उसके बाद इफ यू टच योर डैश ईयर विद राइट हैंड इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, इट विल बी सीन इन द मिरर दैट योर राइट ईयर इज टच विद डैश। कह रहे अगर हम जो है अपना जो लेफ्ट ईयर को टच करेंगे तो हमारा राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर इट सीम्स टू राइट ईयर इज टच विद लेफ्ट हैंड। तो ये हमारा कौन सा फिनोमेना शो कर रहा है, लेटरल इन्वर्जन शो कर रहा है, इसमें लेफ्ट वाला पोर्शन हमारा राइट दिखाई देता है और राइट वाला पोर्शन हमारा लेफ्ट दिखाई देता है। उसके बाद साइज ऑफ द प्यूपिल बिकम डैश व्हेन यू सीन द डिम लाइट। कह रहे कि जो प्यूपिल का जो साइज है, प्यूपिल का जो साइज है वो कैसे बन जाता है जब हम उसको डिम लाइट में देखते हैं। द प्यूपिल विल डिलेट इन द डिम लाइट इन ऑर्डर टू लेट इन मूव। तो उसका प्यूपिल का साइज जो बड़ा हो जाता है जब हम डिम लाइट में जाते हैं, तो प्यूपिल जो है लाइट को कंट्रोल करता है। तो वो क्या करता है, जो प्यूपिल का साइज वो बड़ा हो जाता है जैसे वो डिम लाइट में जाता है, और वैसे अगर हमारा जो प्यूपिल का साइज जो है कम हो जाता है अगर वो हमारा हम जो है ज्यादा लाइट में जाते हैं। तो जो प्यूपिल है वो किसको कंट्रोल करता है, हमारी लाइट को कंट्रोल करता है। तो नाइट बर्ड्स हैव डैश कॉन्स दैट रोड्स इन देयर आईज। तो हमारे जो आई में दो सेल्स होते हैं, रोड और एक कॉन, और रोड सेल और कॉन सेल होते हैं। तो नाइट बर्ड्स जो है उसमें लेस कॉन्स होते हैं एज कम्पेयर टू रोड। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है हमारा इक्वल होता है। उसके बाद हमारा है इमेज प्लेन मिरर में कैसे बनती है, हमारी वर्चुअल बिहाइंड द मिरर और एंड द सेम साइज की बनती है। उसके बाद क्लाइडोस्कोप क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ा था कि क्लाइडोस्कोप को हम कैसे बनाते हैं। 3 रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेते हैं और प्रिज्म बनाते हैं 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 4 सेंटीमीटर वाइड।
और जो उसको सर्कुलर ट्यूब ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद जो ये सारी की सारी जो अरेंजमेंट है उसको हमने जो है ग्लास प्लेट के अंदर रखना है और ब्रोकन पीसेस डालने हैं, और उसके बीच में मल्टीपल इमेज नजर आती हैं। क्लाइडोस्कोप जो है, क्लाइडोस्कोप में किसी भी चीज की जो मल्टीपल इमेज नजर आती हैं। उसके बाद है ह्यूमन आई का जो डायग्राम क्या है, ये हमारा दिखावा है। सबसे पहला उसका फ्रंट पार्ट हमारा होता है कॉर्निया, लाइट इसमें फर्स्टली एंटर करती है। उसके बाद हमारा है आयरिस, आयरिस के सेंटर में होता है प्यूपिल, प्यूपिल के बाद हमारा आई लेंस जैसे लाइट रेस में जाती है और हमारी इमेज रेटिना पे बन जाती है। रेटिना पे हमारे रोड सेल होते हैं और कौन सेल होते हैं, रोड सेल और कौन सेल होते हैं, और ये यहाँ से इमेज ऑप्टिक नर्व के थ्रू हमारी ब्रेन में बन जाती है। उसके बाद गुरमीत वांटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी 16.8 यूजिंग अ लेजर टॉर्च, हर टीचर एडवाइस हर नोट टू डू सो, कैन यू एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ टीचर एडवाइस। के जो 16.8 में जो एक्टिविटी हुई है वो लेजर टॉर्च की से करना चाहता है वो, तो उसकी जो टीचर ने मना कर दिया, क्यों मना करा, तो इसका सोल्यूशन क्या है। इन द एक्टिविटीज इट इज रिक्वायर्ड टू थ्रो द टॉर्च लाइट टू अ फ्रेंड आई, इफ इन प्लेस ऑफ द टॉर्च लाइट लेजर लाइट इज यूज। के हमें टॉर्च लाइट की जगह हमें लेजर लाइट यूज करनी है, तो ये हमारी जो आईज को हार्मफुल देती है। लेजर लाइट जो है उसकी इंटेंसिटी इतनी हाई होती है कि हमारी रेटिना को जो है वो डैमेज कर देती है। तो कह रहे कि इस वजह से जो है इसको मना किया जाता है कि टॉर्च लाइट हमें यूज नहीं करनी। कह रहे कि इट इज रिक्वायर्ड टू थ्रो द टॉर्च लाइट टू फ्रेंड आई, इफ इन द प्लेस ऑफ टॉर्च लाइट लेजर लाइट इज यूज इट कुड बी हार्मफुल फॉर द आईज। के टॉर्च लाइट की जगह अगर हमने लेजर लाइट यूज किया तो ये आईज को हार्मफुल देती है। लेजर लाइट की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है और रेटिना को जो है डैमेज कर देती है और ब्लाइंडनेस लग जाती है। उसके बाद एक्सप्लेन हाउ कैन यू टेक केयर ऑफ योर आईज, हम जो है आईज की कैसे केयर करते हैं। सुटेबल स्पेक्स यूज करते हैं और वो अपनी आईज को रेगुलरली वॉश करना है, और हमें जो है डिम लाइट में अवॉइड करना है कि हम वहां ना रीड करें, और ज्यादा ब्राइट लाइट में भी रीड नहीं करना हमें, और हमारी जो आईज को हमने रब नहीं करना। तो उसके बाद क्या है, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑफ रे, द रिफ्लेक्टेड रे इज एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री टू द इंसिडेंट रे। तो कह रहे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा जो रिफ्लेक्टेड रे जो है 90 डिग्री पे जाएगी इंसिडेंट रे के। कह रहे कि जो हमारा इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में हमारा 90 डिग्री एंगल है। अगर लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होते हैं तो आई और आई प्लस 2i, तो आई कितना हो गया 90/2, और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा आ गया 45 डिग्री। और एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा क्या आ गया 45। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा इक्वल होता है, और दोनों का सम हमारा 90 डिग्री है, और दोनों का सम 90 डिग्री है तो उसका हाफ करके हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या आ गया हमारा 45 डिग्री। उसके बाद है हमारा हाउ मेनी इमेजेस ऑफ कैंडल विल बी फॉर्म इफ इट इज प्लेस बिटवीन टू पैरेलल मिरर सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर। कह रहे कि दो प्लेन मिरर के बीच में अगर 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है तो कितनी इमेजेस बनेंगी। तो कह रहे कि अगर ऑब्जेक्ट जो है दो प्लेन मिरर के बीच में रखा होता है तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। तो हमें याद रखना है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्लेन मिरर के बीच में रखा होता है तो हमारी इनफाइनाइट इमेज बनती है। टू मिरर मीट एट राइट एंगल, दो मिरर है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल है और रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है 30 डिग्री पे, तो रिफ्लेक्टेड रे कैसे जाएगी ये बताना है। हमारा ये मिरर है, मिरर के ऊपर लाइट रे हमारी इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट होके हमारी जो है कैसे हमारा दिखा रहा है इसमें रिफ्लेक्टेड रे सेकेंड मिरर से कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है। जो हमारा ऊपर दिखाया है सोल्यूशन में इंसिडेंट रे जा रही है फिर दूसरे मिरर पे स्ट्राइक कर रही है रिफ्लेक्टेड रे, फिर दोबारा रिफ्लेक्ट हो रही है, ये दिखाया हुआ है। बूचो स्टैंड एट ए जस्ट ऑन द साइड ऑफ प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर 16.20, कैन ही सी हिमसेल्फ इन द मिरर, ऑल्सो कैन ही सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट पी क्यू एंड आर। तो कह रहे कि बूचो जो है ए के आगे खड़ा हुआ है प्लेन मिरर में, कैन ही सी हिमसेल्फ इन द मिरर, क्या वो मिरर में देख पाता है। कैन ही सी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या वो पी पे क्यू पे और आर पे जो इमेज है उसको देख पाता है। बूजो कैन नॉट सी इमेज एज ही इज नॉट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बूजो जो है इमेज को देख नहीं पाता क्योंकि वो वहां पे क्योंकि एज ही इज नॉट स्टैंडिंग इन द फ्रंट ऑफ मिरर, क्योंकि वो मिरर के आगे नहीं खड़ा, जो मिरर के आगे खड़ा उसी की इमेज बनेगी। तो हमारे जो है क्यू और आर जो है मिरर के आगे नहीं है तो इसकी वजह से यहाँ पे इसकी इमेज नहीं बनेगी। उसके बाद है
ये हमारा पैटर्न दिखा हुआ है, ही कैन सी द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट पी एंड क्यू एज अ लाइट फ्रॉम गेट रिफ्लेक्टेड मिरर एंड रीचेस द आई. जो मिरर के आगे पॉइंट है वहां पे जो जो इमेज बनेगी, जो मिरर के आगे पॉइंट नहीं है वो उसमें इमेज नहीं बनेगी. ही कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट एट आर. तो आर जो है मिरर से बिल्कुल दूर है तो वहां पे इमेज नहीं, पी और क्यू पे जो है हमारी इमेज बनेगी. उसके बाद है फाइंड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए इन द मिरर. कैन पहेली एट बी सी द इमेज. कह रहे किसी भी ऑब्जेक्ट जो ए पे रखा हुआ है बी पे रही, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए पे जो हमारा ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसकी इमेज जो हमारी मिरर के बिहाइंड बन रही है और सेम डिस्टेंस पे बन रही है एज द ऑब्जेक्ट ए. यस पहेली एट बी कैन सी द ऑब्जेक्ट एज द लाइट फ्रॉम बी. हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्ट हो गया. वो जो है सी द इमेज ऑफ लाइट फ्रॉम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर ए. ए से हमारी जो है इमेज नजर आ रही. इसका पैटर्न हम बना सकते हैं खुद कि बी ए से जो है कैसे हमारी लाइट इंसिडेंट होगी और कैसे रिफ्लेक्ट होगी और बी और सी से कैसे पहेली और जो उसको देखेंगे. तो इसका पैटर्न हुआ ये हमने पढ़ा भी हुआ कि प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज है वो कैसे बनती है वो हमारा दिखाया हुआ है. तो इसको एक बार 17 क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं. फाइंड आउट द पोजिशन ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट सिचुएटेड एट ए. कोई ऑब्जेक्ट अगर ए में रखा हुआ है प्लेन मिरर में तो उसकी इमेज कैसे बनेगी. कैन पहेली एट बी सी दिस इमेज. कह रहे जो बी में जो हमारी जो इमेज है क्या उसको हम पहेली देख सकते हैं. सी पे जो हमारी जो इमेज बनेगी कैन बुजो एट सी. जो सी पे बुजो है पी पे पहेली है क्या उस इमेज को देख सकते हैं जो ए की इमेज है. ए हमारा ऑब्जेक्ट है तो कह रहे कि हमारा यस पहेली एट बी कैन सी द इमेज एज अ लाइट फ्रॉम बी गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर एंड रीचेस ए. यस हमारी जो इमेज बनेगी यस बुजो एट सी कैन सी द इमेज एज अ लाइट फ्रॉम सी गेट्स रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर एंड रीचेस ए. तो हमारा कह रहे कि जो बी पे जो पहेली है वो इमेज को देखेगी कैसे देखेगी और रिफ्लेक्ट और रिफ्लेक्टेड लाइट से दिखाया हुआ है कि वो कैसे उसको ए पॉइंट से देख रहा है. कह रहे कि जो सी पे जो हमारा भूजो है वो भी इसको देख पाएगा वहां से रिफ्लेक्टेड लाइट को. तो कह रहे कि इसके बाद है डी द इमेज ए विल बी स्टेशनरी इफ पहेली मूव्स फ्रॉम बी टू सी. जो इमेज जो हमारी ए पे ही रहेगी अगर वो बी से सी पे शिफ्ट करता है या सी से बी पे शिफ्ट करता है. तो प्लेन मिरर में हमारा इमेज देख लिया हमने. प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है जो पॉइंट हमारा प्लेन मिरर के आगे है उसकी इमेज बनेगी. अब जो हमारा पॉइंट हमारा प्लेन मिरर के आगे नहीं है तो उसकी इमेज नहीं बनेगी. तो हमने देख लिया प्लेन मिरर में कैसे इमेज बनती है. अगर दो प्लेन मिरर हैं उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती है. दो प्लेन मिरर रखे हुए हैं पैरेलल रखे हुए हैं तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती है. और उसमें हमारा हम जो आईज की हम कैसे केयर कर सकते हैं और हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं. एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है. इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. और हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है 90 डिग्री जो हमारा दोनों का सम होता है और हाफ हाफ इसका डिवाइड करके हमारा 45 आता है. उसके बाद से पहले हमने पढ़ा था कि हमारी ह्यूमन आई है ह्यूमन आई की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग कैसी होती है. सबसे पहला हमारा फ्रंट पार्ट कॉर्निया होता है. उसके बाद आयरिस होता है. उसके बाद प्यूपिल. उसके बाद जो हमारा लेंस है वो कन्वेक्स शेप में होता है. जैसे लाइट रेस में एंटर करती है तो इमेज हमारी रेटिना पे बनती है. रेटिना पे जो हमारी इमेज बनती है वो हमारी सीधी नहीं बनती उल्टी बनती है. रेटिना में दो टाइप के सेल होते हैं रोड और कोन. रोड हमारा जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट को शो करता है और कोन हमारा जो है हमारे जो हमारे कलर को शो करता है. तो हमारे रेटिना में दो टाइप के सेल होते हैं रोड और कोन. और यहाँ से इमेज जो है ब्रेन में जाके सीधी बन जाती है. उसके बाद क्लाइडोस्कोप की कंस्ट्रक्शन दिखाई हुई है. और इससे पहले हमारा दिखाया हुआ है कि जो प्लेन मिरर के आगे घर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो वो उसकी जो इमेज से कितनी डिस्टेंस होगी एक्स प्लस एक्स 2x होगी. उसके बाद जो हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है. और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है एक प्लेन के अंदर लाई करती है. और हमारी रिफ्लेक्शन दो टाइप की होती है एक रेगुलर और डिफ्यूज. रेगुलर रिफ्लेक्शन में हमारा सरफेस हमारा प्लेन होता है. जैसे ही पैरेलल रे जाती है वैसे ही पैरेलल वापस आती है. अगर हमारा सरफेस स्मूथ नहीं है हमारा अनइवन सरफेस है तो हमारी पैरेलल रेज जाती है और अनपैरेलल वापस आती है. तो रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का दूसरा नाम हमारा इरेगुलर रिफ्लेक्शन है. और उसके बाद हमारा है डिफरेंट टाइप के सरफेस लिए थे पॉलिश वुडन टेबल चौक पाउडर कार सरफेस मार्बल फ्लोर मिरर पीस ऑफ पेपर. हमने देखा है कि किसमें जो हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन है और किसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन है.
तो हमने ये देखना है कि कौन से सरफेस पे रेगुलर है और कौन से सरफेस पे इरेगुलर है। जो हमारा सरफेस स्मूथ होगा उस पर रेगुलर, और जो हमारा सरफेस स्मूथ नहीं होगा उसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगी। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो हमारी एक ही प्लेन के अंदर लाई करती है। तो ये हमने स्टडी किया है। तो इस चैप्टर 16 में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो तो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को चैप्टर 16 में कोई भी क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। चैप्टर 16 में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। चैप्टर 16 में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। चैप्टर 16 में किसी बच्चे को कोई भी क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। चैप्टर 16 में किसी भी बच्चे को कोई भी क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सभी रिवाइज करने हैं, और इसकी जो प्रैक्टिस नोटबुक पे हमें इसको जो है इसकी रिवीजन करनी है। चैप्टर जो लाइव चैप्टर है उसके जो हमारे एमसीक्यूज है उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। किसी बच्चे को लाइव चैप्टर के बारे में कोई भी क्वेरीज आस्क योर क्वेश्चन। हमारे जो लॉज रिफ्लेक्शन के याद रखने हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन याद रखनी है कि कौन कौन सी रिफ्लेक्शन होती है, और हमारे प्लेन मिरर में कैसे बनती है, और हमारे क्लाइडोस्कोप कैसे बनता है, और उसमें प्लेन मिरर में हमारी कैसे इमेज बनती है, और आईज की हम कैसे केयर कर सकते हैं, और हमारे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग एंगल पे जो अलग अलग जो है वैल्यू दी होंगी उसमें एंगल निकालने होंगे, और उसके बीच में कोई प्लेन के ऊपर लाइट इंसिडेंट होती है और कैसे रिफ्लेक्ट होती है, उसका पैटर्न कैसे बनते हैं, और जो प्लेन मिरर के आगे पॉइंट है वहां इमेज नजर आती है, जो पॉइंट हमारे मिरर के आगे नहीं है उसकी इमेज नजर नहीं आती। उसके बाद हमारा है कि जो हमारा प्लेन मिरर के अंदर हमारी इमेज कैसे बनती है ये हमने ऑब्जर्व किया। किसी बच्चे को चैप्टर 16 में कोई भी क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। चैप्टर 16 में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। चैप्टर 16 में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। चैप्टर 16 में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। क्लाइडोस्कोप का डायग्राम और क्लाइडोस्कोप की वर्किंग जो है सभी को आनी चाहिए, और हमारा जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसके बीच में डिफरेंस क्या होता है ये आना चाहिए, और इसका जो डायग्राम है वो याद रखना है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन का और इरेगुलर रिफ्लेक्शन का हमारा डायग्राम क्या है, और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं और इसकी एक्टिविटी क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है, और हमारी ह्यूमन आई की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या होती है, कि जो हमारा सबसे पहला फ्रंट पार्ट हमारा कॉर्निया होता है, कॉर्निया में लाइट एंटर करती है, उसके बाद आयरिस में, और प्यूपिल्स का सेंटर होता है, और प्यूपिल से जो हमारी इमेज है रेटिना पे बनती है, रेटिना पे हमारी जो दो टाइप के सेल होते हैं रोड और कोन, रोड हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट को शो करते हैं, और कोन हमारा जो है हमारा किसको शो करते हैं, हमारा कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ से जो इमेज है हमारी कैसे बनती है, हमारी बिल्कुल हमारी इमेज जो है हमारी उल्टी बनती है, और ब्रेन में जाके हमारी जो इसकी इमेज है सीधी बन जाती है, और जो रेटिना से जो इमेज है हमारे ब्रेन में ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाती है। उसके बाद आईज की हम कैसे केयर करते हैं, उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा कितने कितने एंगल पे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, और दो प्लेन मिरर के बीच में हमारे जो एंगल है उसमें इमेज कैसे नजर आती है, और उसके बाद हमारा प्लेन मिरर में हमारे दो प्लेन मिरर के बीच में अगर कुछ एंगल है तो हमारे में कैसे हमारी रिफ्लेक्टेड रे जाती है। हमारी जो प्लेन मिरर में कैसी इमेज जाती है हमें याद रखना है कि हमारी आईज की कैसे केयर कर सकते हैं। किसी बच्चे को इस चैप्टर के बारे में कोई भी क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन।
लाइट चैप्टर के बारे में किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. लाइट चैप्टर के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होता है, प्लेन मिरर में कैसी इमेज बनती है वो हमें, और हमारा आयरिस क्या होता है और प्यूपिल क्या होता है और हमारा कॉर्निया क्या होता है और ऑप्टिक नर्व क्या होता है. ऑप्टिक नर्व हमारे जो हमारे रेटिना, रेटिना में कितने टाइप के सेल होते हैं, रोड और कोन सेल होते हैं और कैसे हमारे रेटिना पे कैसी इमेज बनती है. तो किसी बच्चे को अगर कोई भी क्वेरी करनी हो लाइट चैप्टर के बारे में प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारे इक्वल होता है. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है एक ही प्लेन के अंदर लाई करते हैं. और क्लाइडोस्कोप में क्या मल्टी, एक ही चीज की जो है मल्टीपल इमेजेस बनती हैं, तो हमारा ये क्लाइडोस्कोप की हमारी कंस्ट्रक्शन है. और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा इक्वल होता है. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो है एक ही प्लेन के अंदर लाई करती हैं. जो हमारा हम इसके से पहले था हमारा कि डार्क रूम के अंदर हमारे को इमेज क्यों नहीं जुटाती, क्योंकि वहां रिफ्लेक्टेड रे नहीं होती, क्योंकि इंसिडेंट रे भी नहीं होती, इंसिडेंट रे नहीं है तो वहां रिफ्लेक्टेड रे नहीं होती. और क्योंकि वहां पे लाइट नहीं होती, लाइट की वजह से कोई भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती और रूम के बाहर हमारी लाइट होती है, इस वजह से जो हम रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से हम चीजों को देख पाते हैं. इस चैप्टर के बारे में किसी भी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कितने होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन करके क्या होता है और किस किस सरफेस पे हमारी रेगुलर रिफ्लेक्शन होती है और किस किस सरफेस पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होती है वो हमने स्टडी किया है. किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन. लाइट चैप्टर के बारे में किसी बच्चे को कोई क्वेरी करनी हो प्लीज आस्क योर क्वेश्चन.